ಬಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಆ ಅನಿ ಏನಾದ ಹಂತಿಲ್ಲ ನೋಲ ಏನಾದ ನೋಲಮು ಸಮಿಂದಿ ಕಚೋಲಾ ಮೇ ಮಾ ಈ ವಾಲಾ ಲಿಯಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಡ್ರ್ಯಾಗನ್ ಫ್ರೂಟ್ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಓಲೋ ಕೆ ಪಾಸ್ ಚಾಯ್ಸಸ್ ಜ್ಯಾದಾ ನಹೀ ಹೈ ಕಾಫಿ ತೋ ಓಲೋ हेलो डिश दिले एवरीवन, मेरे सभी यूट्यूब फैमिली को नीमा बिमा के चैनल में और एक बार स्वागत है। आज हम जा रहे हैं लेक्चर वॉक, तो हम आज आप लोगों को दिखाएगा लेक्चर का व्यू दिखाएगा मम्मी के साथ। तो चलिए यहीं से मेरा ब्लॉग जो है यहीं से स्टार्ट होगा। तो देखो ये कौन है, हाय हाय लव हाय। मेरा मम्मी का फ्रेंड जो है वो कुछ स्वेटर लेने गया है, क्योंकि यहाँ पे समर भी हो या जैसे भी हो बाहर पे थोड़े से ठंडा ही होता है। मेरा स्वेटर जो लेके आया है लेकिन मैं स्टॉलर में रखा हुआ है। तो ठीक है, ये हमारा लेक्चर का नज़ारा यहीं से मैं दिखाएगा आप लोग को। ये रोज दिखाता है, ये हमारा जहाँ हम बैठते हैं वही एरिया है। तो ये जो है हमारा पार्किंग है। तो लेक्चर में बैठने के लिए क्या क्या अच्छा है, क्या फ़ायदा है, क्या अच्छा है, क्या नज़ारा है, जो भी है मैं आज दिखाएगा आप लोग को। जाएगा ये छोटा सा हवा खाना में जाएगा आप लोग को, लेक्चर का व्यू दिखाएगा। आप थक जाते हैं तो यहाँ पे आराम से रेस्ट कर सकता है। जैसे कि एक यहाँ पे औरत बैठा है और ये भी एक व्यू है, सबसे अच्छा व्यू। ये हम लोग का जहाँ पे हम बैठते हैं वहाँ से सिर्फ पीछे में ही है और बहुत दूर जाना होता है यहाँ से, वहीं पे भी बहुत अच्छा अच्छा सीन है, मैं दिखाएगा अभी। तो मैं अभी यहाँ वेट कर रहे हैं, मम्मी लोग पीछे पीछे से आ रहा है, तो मम्मी लोग वहाँ से आ रहे हैं तो हम मैं भी जाएगा यहीं से। दादा को पुश कर रहे थे ना, हाथ भी कैसे कैसे हो रहा है ऐसे करके। लो मम्मी लोग यहाँ पे आ रहे जा रहे मोमो ना ओफा। कितना बोर्ड यहाँ पे खड़ा हुआ है, देखो बोर्ड है। ये सब गाड़ी जो जाता है ना, ये पूरा लेक में जाता है। जैसे मैंने बोर्ड दिखाया था ना, जैसे मैंने अभी बोर्ड दिखाया था, वो सब बोर्ड लेक में बोर्ड करने के लिए जाते हैं सब लोग, और यहाँ से जाते हैं। ये ले शॉर्टकट रोड है ये, और ये सब कर देखो। समर में ना यहाँ पे बहुत इंजॉय करते हैं लोग ना, तो हमारा लोग जो है काम पे जाते रहते हैं, काम पे जाते रहते हैं, क्या करेगा, अभी इमिग्रेंट है तो काम जाना पड़ेगा और रेंट वगैरह भी बहुत हो चुका है, तो इसलिए काम तो करना ही पड़ेगा। लेकिन थोड़ा लाइक वीकेंड में छुट्टी बैठेगा तो अच्छा लगता है। और हम यहाँ से क्रॉस कर रहे हैं, क्रॉस करने के बाद वाइट सा ब्रिज आता है, और ये है हमारा फर्स्ट वाइट ब्रिज। फर्स्ट वाइट ब्रिज है ये, और इसका सामने बड़ा सभी लॉन्ग कॉन जो है देखो बहुत बड़ा। और इसी यहाँ से नजारा देखिए तो ये सी है, आज संडे है, संडे में ऐसे ही होते हैं, बहुत भीड़ होते हैं क्योंकि सभी का ऑफ होते हैं, इसलिए सब समर एंजॉय करने के लिए
बाहर निकलते हैं, शाम को, सुबह को, दिन को, सब लोग बाहर भी होते हैं। ये है नजारा सब, अपना डॉगी लेके जा रहे हैं। ये कॉन्डो जो है ना यू शेप बनाया हुआ है, यू शेप बनाया हुआ है। आप लोग देख रहे हैं, मेरे नजर से तो यू शेप लग रहा है, आप लोग कैसे लग रहे हैं वो बताना। यहाँ से लेके सीन बहुत अच्छा है और दिखाएगा आप लोगों को। हम वहाँ से भी जा सकता था और हम यहाँ से जा रहे हैं। ये ब्रिज जो है हमारा टूटिंग में होता है ना, लंबा सा ब्रिज, मैं तो टूटिंग भी कभी नहीं गया लेकिन लंबा सा ब्रिज होते है वैसा ही है, वुड से बनाया हुआ। देखो बहुत बड़ा है, कम से कम यहाँ से जाने के लिए 10 मिनट लग ही जाएगा यहाँ से। और लोग पूरा वहाँ से यहाँ से जो वॉक पैदल करके जाते है वो लोग जा रहा है, और वहाँ से जो साइकिल करके जा रहे हैं, और कोई कोई वॉक भी करके जा रहा है। तो मैंने सोचा यहाँ से कभी नहीं किया तो यहाँ से चला जाऊँ आज। देखो बहुत लंबा है, बहुत लंबा, देखो एंड तक है ये। ब्रिज के लिए कुछ तो लोग जा रहे हैं। ये है लेक शोर का व्यू, लेक शोर में बैठने के लिए वही अच्छा है, वॉक भी जा सकते हैं। आपको फ्रेंड नहीं चाहिए, जब आप लेक शोर में बैठ रहे हैं तो आपको फ्रेंड नहीं चाहिए, जिस क्योंकि आप लेक शोर में जहाँ भी अपार्टमेंट में बैठेगा वही पीछे में लेक शोर है, और आप वॉक भी जा सकते हैं, कॉफ़ी शॉप भी जा सकते हैं, और बहुत सारा जगह है, पार्क भी जा सकते हैं, बच्चा है तो पार्क भी लेके जा सकते हैं। पार्क बहुत पार्क है और सामने सामने, और कहाँ कहाँ जा सकते हैं क्योंकि पार्क जो लेक शोर में भी अंदर अंदर पे घूमने के लिए बहुत सा जगह होता है, वहाँ पे आप लोग जा सकते हैं। तो आपको फ्रेंड नहीं चाहिए, आपको आपके पास फ्रेंड नहीं है तो आप अकेले वहाँ पे जा सकते हैं। अकेले अकेले एग्जांपल, यहाँ एक लड़की है अकेली जा रहा है, देखो उसके पास भी फ्रेंड नहीं है, वो अकेली जा रहा है। और हम बीच के अंदर, बीच में है, हम पानी के बीच में, तो मम्मी लोग थक गए हैं, थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करके बैठा हुआ है। एक चिमुन है बाले अले रेस है तीता, सॉरी। बहुत सुंदर नजारा देखो, मुझे ना यहाँ पे लेक्चर में ना लेक्चर छोड़ने का मान ही नहीं करता है, क्योंकि हम जब से आए हैं, हम बिगिनिंग से तो नहीं है, एक दो मंथ बाहर पे बैठा है, और एक दो मंथ के बाद हमने जब से बैठना, हम खुद का अपार्टमेंट हुआ है तब से हमने लेक्चर में बैठा है, तो लेक्चर छोड़ने का मान ही नहीं करते, क्योंकि लेक्चर में इतना अच्छा है जगह है, अपार्टमेंट इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अड़ोस पड़ोस या नेबर जो भी है बहुत अच्छा है। और लेक्चर का बैठने में आपको जब भी लोनली फील करेगा आप लेक्चर पे आ सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, कॉफ़ी शॉप में जा सकते हैं, सामने सामने है, आपको सेफ गार्ड में भी जाना नहीं पड़ेगा, तो वॉकिंग डिस्टेंस से आप जहाँ पे भी जा सकते हैं, क्योंकि आप सीट कर से बाहर से जाना है तो कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसी जगह जो है, ऐसी जगह है, बहुत सुंदर जगह है, और आपको कहीं भी जाना नहीं पड़ेगा, आप वॉक करते हुए कहीं पर भी पहुँच सकते हैं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। तो इसलिए जब जिसको भी जो भी आप पहले से लेक्चर में बैठ जाते हैं ना, मिमिको एरिया में बैठ जाते, उसको जाने का मन ही नहीं करते लेक्चर में, लेक्चर छोड़ के। जैसे कि मेरा फ्रेंड्स हुआ, मैं पूछता है आप लोग को घर चाहिए तो अपार्टमेंट चाहिए तो वहाँ पे भी है, वहाँ पे है, मैं कभी हम सजेशन देते हैं ना, तब बोलते वो लोग बोलते हैं
हम लोग अभी बिगिनिंग से लेक्चर में बैठे हैं तो लेक्चर छोड़ने का ही मन ही नहीं करता है, तो इसलिए वही बात है क्योंकि बहुत अच्छा है, सुंदर है। आप जो भी आप लेक्चर में नहीं बैठते ना, उसको जब एक बार बैठने लग जाएगा ना, तभी पता चलेगा लेक्चर कितना सुंदर है, कितना सुंदर एरिया है। तो ये बात है, लेकिन जो लेक्चर में जो मिमिको एरिया में है वो अपार्टमेंट थोड़ा कई आप जैसे कि एफोर्डेबल है, लेकिन अभी तो बहुत प्राइस हाई हो चुका है, तो आप इतना ज़्यादा नहीं है, एक दो बिल्डिंग है वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन आप अच्छा ढूंढेगा तो अच्छा पैसा पे करना पड़ेगा, और थोड़ा सा बुरा ढूंढेगा तो थोड़ा नीचे पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आजकल बहुत एक्सपेंसिव हो चुका है। टू बेडरूम का 2100 बोल रहे हैं, वन बेडरूम का मुझे नहीं पता चला, मैं सोच रहा था एक टू बेडरूम खाली है बोल रहा था मुझे, तो मैं वो भी टूर कराऊँ सोचा सभी को, ताकि पता चलेगा लेक्चर मिमिको एरिया में अपार्टमेंट कैसे है। तो ठीक है, मैं वो लोग तो अभी आ रहे हैं वहाँ से, तो मैं यहाँ पहुँच गया, वॉक करते करते एंड में पहुँच गया। और ये हम रोड क्रॉस होती हुई यहाँ पे आ गया है। ये जगह जो है बहुत एक्सपेंसिव जगह है, ये जो है पार्कलोन लेक्चर में है, मिमिको में ही है, लेकिन थोड़ा आगे जाने के बाद एक पार्कलोन बोल के आता है, ये पार्कलोन की एरिया है, पार्कलोन के बैक साइड में है ये एरिया। ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे स्टूडेंट और जो स्टूडेंट और सिंगल कपल लोग जो है वो ही रहते हैं, क्योंकि ये कॉन्डो जो है ना बहुत लंबा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, लेकिन अंदर में शायद छोटा छोटा है, तो कोई फैमिली बैठता होगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सिंगल कपल और स्टूडेंट वगैरह रहते हैं यहाँ पे। तो अभी बहुत लोग जा रहे हैं, ये बैक ऑफ पार्कलोन है, ये बैक साइड में है, पार्कलोन के बैक साइड में। तो हम यहाँ पे वॉक करते हुए जा रहे हैं, और बड़ा सा ब्रिज आएगा, मुझे नहीं लगता हम वहाँ तक जा पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा मम्मी लोग थक गया है, तो हम जितना तक जा सके उतना तक ही जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा जो वाइट ब्रिज जो आती है थोड़ा सा ज़्यादा दूर है, तो वहाँ तक नहीं जाएगा हम, कुछ कॉफ़ी वगैरह पीगा यहाँ पे, कॉफ़ी तो नहीं पीगा, वो लोग को पिका पिका सा लगता है बोले कॉफ़ी, तो मैंने सोचा कुछ आइस कॉफ़ी या स्टारबक्स से कुछ ले लूँ यहाँ से, तो देखते हैं क्या पीता है, वो लोग को क्या अच्छा लगता है। तो मैंने ड्रेस पहन रखा है आज, लेकिन मैंने सोचा बहुत ठंडा होगा, लेकिन ठंडा नहीं है, ठंडा मुझे बिल्कुल ठंडा नहीं लगा, तो क्योंकि विंडी नहीं है, मतलब कि ये हवा नहीं आ रहा है, देखो मेरा बल बिल्कुल जैसे है वैसे ही बैठा है, हवा आता तो ये ऐसे 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 करता, तो ठंडा नहीं है। तो देखो हम लोग आ रहे हैं यहाँ से, आप यहाँ से साइकिल भी ले सकते हैं रेंट पे, आपको पे करना पड़ेगा। मैं ना अभी यहाँ पे कुछ ड्रिंक्स खरीदने जाएगा, मम्मी लोग वहाँ पे बैठ रहा है, तो वो लोग बोला वहीं पे बैठेगा, तो मैं ड्रिंक्स खरीद के ले आओ, तो मैं जा रहा है ड्रिंक्स लेने के लिए, और यहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाएगा अभी, आज का वीडियो जो है नज़ारा दिखाने के लिए है, तो नज़ारा दिखाएगा व्यू देखो, ये एरिया जो है ना बहुत अच्छा है, मुझे लग रहा है ये कॉन्डो या अपार्टमेंट जो भी है बहुत एक्सपेंसिव होगा यहाँ पे। यहाँ देखो फुल ऑफ पीपल इनसाइड, फुल ऑफ पीपल, बहुत एंजॉय कर रहे हैं लोग यहाँ पे, क्योंकि समर है, तो मैंने बोला है ना बहुत लोग आते हैं, बहुत आदमी है, क्योंकि और सब लोग अपना फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो इसलिए बहुत सारा आदमी है। देखो देखो देखो, ओ माय गॉड, ये रेस्टोरेंट तो गया बहुत अच्छा गया, बहुत आदमी। ये वाला लिया मैंगो ड्रैगन फ्रूट, क्योंकि वो लोग के पास चॉइसेस ज़्यादा नहीं है, कॉफ़ी तो वो लोग पीता नहीं है, तो मैंने यही लिया। देखो कितना लोग है यहाँ पे, बहुत लोग है,
तो ये वाला लिया क्योंकि ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। मैं और कुछ लेके आएगा तो वो लोग पीगा ही नहीं, क्योंकि वो लोग को लगता है कॉफ़ी जो है बहुत पीका पीका है। तो यही बेस्ट चॉइस है वो लोग के लिए और मेरे लिए भी। हम यहाँ से कुछ खाने के लिए लेने वाला है। अभी हमारा पूजा चल रहा है तो मैं वेज लेगा, फ्राइज लेगा। देखते हैं फ्राइज कैसी है, यहाँ पे कभी खाया नहीं मैंने यहाँ पे। और समोसा भी मिल सकता है वेज, मुझे नहीं लगता है तब यहाँ इंडियन नहीं बना रहे तो समोसा अच्छा होगा यहाँ पे। वो लोग कहाँ से लेते हैं नहीं पता। तो मैं फ्राइज ऑर्डर करेगा अभी के लिए। हम करीब यहाँ पे छोटा सा पार्क में बैठ के ऐसे कुछ खा रहे हैं। मैंने लिया ऑनियन रिंग एंड फ्राइज, बहुत फ्रेश और अच्छा मिलता है। आए सीओ लग पाई यहाँ मुझे। इस तरह से बैठा हुआ है, ठंडा है, लेकिन मेरा ना ये स्वेटर लेके आ रहा था। मैंने सोचा मैंने स्ट्रॉलर के नीचे में डाला है लेकिन नहीं डाला हुआ है, अभी ठंड लग रहा है। कोई बात नहीं, थोड़ा अच्छा देखने के लिए ठंड भी जरूरी है। apa ikan kamu? apa ikan kamu? apa tujuh dia muam? Ibi apa lah? Kucak apa dia mahang bayar apa dia mahang soal begini? Ini jam sudah dah dah kat tengah ni. Ni dulu mo? Dulu. Anak. बहुत अच्छा है यहाँ पे, स्पेशली फ्रेश मिल रहा है। पैसा का कंपेयर करो तो वॉल्यूमार्ट और यहाँ पे एक ही लग रहा है मुझे। हमारा हीरो नहीं आ रहा है, लिपस्टिक, उसका नाम बोलता है लिपस्टिक, हम क्या लेता है उसका नाम लिपस्टिक, ये है लिपस्टिक है वो वाला ना, जा रहा है ना येलो और व्हाइट पहना हुआ है सूट, उसका नाम लिपस्टिक। ओ द लिपस्टिक सबुरी कुम ये सिर पर यो ला इब ला ने यो हम ले ले चा हम तो ता में ले ले चा थैंक यू रिको हां को तो चिर जा जा कम देसी उमाला मु 한국이에요. 대왕방제 대왕방제 더 크리핀입니다. 아이부터 크리가 통하는 네. 다 장고 하시면 돼요. 크리핀이 나니. 립스틱. 립스틱 बताओ अभी आज काम नहीं किया कैसे लगा? आज बहुत ही मजा। आज तो क्या कल मजा था कल। कल कहां पे गया था, कहीं पे गया था ना, खाना खाने गया था, कौन सा वाला रेस्टोरेंट में खाना खाने गया था, कॉकटेल पिया, खाना खाया, डांस किया, सब कुछ मजा आ गया। कोमा कनाडा दा उन्यो हांग के पर लाया एक जे कनाडा दा इंडिया हांग के पर ला ओ था ला था चे रुता एक जे ना नी ओ ओ नी दा नी थान शो चे रा गा एक जे हाउ शे कनाडा दा इंडिया ला क्या गा हांग के पर लाया नाम सी दा हांग नी तो गिन यो हांग के पर लाई जे ना आले आले नाम सिदाउ बकितुला नि जाली जामी रालिकुला नि
ये आनी एक चीज़ नानी एक चीज़ नान हंग लाइक चीज़ ऐसा का वास्ता से दूं तो मिल ले जाता होगा सारा चुन चुकी लगाम तो अरे ले नी सुना सो तंग कर चेहरा अरे नाम से ऐसा कितना लगी थी नी क्या करा चंदा सब चंदी शुभ तंग जे रिशनी से तंग नी बस चाहे मो नी एक चीज़ आती तंग शान तो लोन तो एक है ना सर ओम एक चौक ले एक बाला हाँ अन्य एक सा उची लाभ का शिया एक ची उची गया हाँ एक चौक चिया जा जा वो लगाम सर सी वो ना अन्य नान रख पड़ा रोशन सिंगे ता नमनिम तो मां ना नेबा सम गा रिक बुनी ऑर्डर बिली बिली या या ने नंत्र नो मिक जो हंग हंग लो से जो गिद ला मोसा कि पु दा नाम सि दांग बद आला ता पुला गिनी वो न्योरा या सि न्यो दे पुला मानी दांग बे छो छि दिन गो ला लि छो जरो व दे पसो मि छि रो कि पु छो न्यो रा दे पुला मानी दांग बे छो ओ शहाना मोने मिन मानी सि दांग सब पे नि हां नि हाथी शो पहना का जाक सुने ही नहीं। न्यू मैंने। नो ब्लेम। ऐसे की जो गोंद तरीका रहनी है। बीगुंज मगा निकाल दे नियाना मिले। याम चे आनी तरीक चे। नौला नौला ना। सुसुला। उन्हें लगता है। सा नाम कि तो तुम मलाई नहीं तुम मिला जो कॉफी सोंग कंगा लाभी से नहीं लाभ एक जो कॉफी नहीं ला डबल डबल एक जैसा दें था ना ले उसे ओ चीनी चिंग न्यून चिंग क्रीम चिंग डबल डबल दे वो जैसा नहीं सही सांगे बस ओके रंगा ले ला नहीं लाभी से जामा जैसे नहीं रोको एक जो अम्मा वो बनाना मस्त। चलों तो इन्हें ना मार के ओम एक चपाई मना। ना चलो वीडियो देखने से मस्त इंडिया। हाहाहा। मस्त इंडिया। लाख लाख लोग। ना बगाड़ियों में ला। आ जो। पिंगा माला दे रिक बुलेक पकाम। देवा। मालूम इंटीमेट डांस मारा। ओके हम यही तक आया है तो ज़्यादा दूर नहीं गया क्योंकि हम वहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं जैसे कि टिबेटन सर्कल डांस जो है वहाँ पे मिमिको के पार्क में वहाँ पे चल रहे तो हम वापस जा रहे हैं अभी हम कुछ खाया पिया और थोड़ा सा बैठा मज़ा किया मम्मी लोग के साथ और यही है हम वापस जा रहे हैं तो थोड़ा सा वहाँ पे पहुँचेगा दिखाएगा उसके बाद मैं वीडियो को यही तक एंड करेगा वही तक एंड करेगा तो देखो बाहर पे अभी पूरा 7 बज चुका है हम निकला था घर से 4:30 में निकला था और अभी पूरा 7 बज गया है तो अभी भी रात नहीं हुआ है देखो समर के दिन टाइम पे ऐसे ही होता है 8-9 बजे तक रात नहीं होता है जाग नहीं होता है तो देखो लोग कैसे घूम रहे हैं अच्छा से मजा से घूम रहे हैं आज तो स्पेशली संडे है पूरा समर का मजा ले रहे हैं लोग तो हम लोग का आदमी भी जो भी घर पे बैठता है अंदर पे बैठता है घर पे मत बैठो समर जल्दी खत्म हो जाएगा तो बाहर पे जितना हो सके उतना बाहर निकलो लाइफ छोटा सा है क्या करेगा उसमें इंजॉय करो जाओ बाहर पे घर पे बैठ के क्या करेगा घर पे बैठेगा तो सोते रहेगा उसके बाद टाइम खत्म हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा आपको कैसे खत्म हो गया तो ही है यहाँ का नजारा जो मिमिको में बैठता है लाइक टोरंटो में बैठता है
वो सब ने तो यही नजारा देख चुका होगा, लेकिन जो मेरा सब्सक्राइबर बाहर से है वो लोग के लिए है, ये जो व्यू जो है वो लोग के लिए दिखा रहा है। अभी तो हमारा मिमिको में सर्कल डांस चल रहा है, टिबेटन सर्कल डांस, वहाँ पे थोड़ा सा देखेगा और वहाँ पे थोड़ा सा बैठेगा। उसके बाद मैं घर में जाके पिकल बनाना है, मैंने मिर्ची और अदरक कट के सूख रखा है, थोड़ा सा थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाता है ना तब पिकल जो है बहुत अच्छा होता है। मैं क्या करते हैं मिर्ची और जोली खरसानी जो है ना वो कट के और मूला कट के थोड़ा सा सूख रखा है, उसके बाद मैं वहाँ पे डालेगा क्या बोलते हैं सरसों का तेल जो हम पीसते हैं ना इंडिया से, ही मैं लेके आया था ड्राई सरसों का तेल, वो जो पीसने के बाद में रह जाते हैं उसका क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, वो लेके आया था। तो वो थोड़ा सा ख़राब होने वाला था, जो ख़राब होने वाला था थोड़ा सा निकल गया और जो बचा खुचा था वो मैंने हम जो भी बनाते हैं हम लोग का सी तो बोलते हैं यहाँ तो क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, चीसी बोलते हैं ना, जैसे मिर्ची में डालते हैं और सब्जी में भी डाल सकते हैं, और मिर्ची जब ग्रीन चिली फ्राई करते हैं जब डालते हैं बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी है। मेरा मुंह में पानी आ रहा है जब बोल रहे हैं ना, तो मैं मिर्ची अदरक और मूली जो है वो ड्राई करके जो सुखा के रखा हुआ है उसको पूरा नमक डालूँ, उसमें नमक डालेगा और वो सरसों का वो जो है वो डालेगा और थोड़ा सा अजवाइन मिर्च डालेगा, वो मिक्स करके मैं पूरा 10 दिन के लिए छोड़ देगा, वो बहुत अच्छा होता है 10 दिन के लिए धूप में छोड़ देगा, तो उसके बाद पिकल बहुत अच्छा होते हैं, मैं सूखने के बाद भी मैं आप लोगों को दिखाएगा। तो घर चाहती वो बनाना स्टार्ट करेगा, आप लोग को दिखाएगा कैसे बनाते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो हम अभी जा रहे हैं वॉक करती हुई, तो देखो यहाँ पे कैसा कैसा लोग क्या क्या ड्राइव करते हैं पता नहीं चलते, देखो जमीन के नीचे से कुछ ड्राइव करके आ रहा है, देखो बहुत अच्छे से कर रहे हैं। मैं ना मेरा तो स्ट्रॉलर में ये ना दरक स्ट्रॉलर में पुश कर रहे हैं ना, तो मेरा वीडियो छोटा थोड़ा सा शेक हो गया होगा, तो शेक किया हो तो आप लोग का आग दर्द हो रहा है तो मेरा वीडियो की वजह से मुझे माफ कर देना। देखो समर में कितना अच्छा है, कितना अच्छा है, ग्रीन लीव्स भी आ गया है, सब कुछ आ गया है, पेड़ आ गया है, सब कुछ आ गया है, बहुत सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर कनाडा जो है बहुत सुंदर लग रहा है, तो इससे ज्यादा क्या चाहिए लाइफ में। सब लोग काम कर रहा है, छुट्टी ले रहा है, इंजॉय कर रहा है, जो भी कर रहा है, मैं तो थैंक गॉड टू लाइफ, थैंक गॉड बोलना चाहूँगी, जो भी मेरा लाइफ है अभी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। देखो हम चाहे ये बड़ा बड़ा बिल्डिंग में नहीं बैठते, छोटा सा अपार्टमेंट में रहते हैं, लेकिन यहाँ का नज़ारा पूरा हमें इंजॉय करने मिलता है साथ ही साथ। जो यहाँ पे बिल्डिंग बड़ा बड़ा बिल्डिंग में बैठ रहा है जो खाते वो हम खाता है, वो जो पीते हैं वो हम पीते हैं, वो जो ड्रेस पहनते हैं हम भी पहनते हैं, तो देखो नजारा यहाँ का। ऐसे यू करके हैं लोग अभी भी आ रहे हैं, हम तो 4:30 से निकला था लेकिन लोग अभी जस्ट बाहर पे निकल के आ रहा है, अभी वो लोग कब आएगा सोच लो आप, लग रहा है ये लोग बाहर से आए हुए तो यहाँ पे वॉक करने के लिए आए हुए स्पेशली। कितना बैठना ना, ओके। तो मैं थोड़ा सा कुछ बोलना चाहिएगी, जो तीनों मम्मी लोग बाहर पीछे से आ रहे हैं ना, आप लोग को नजर आ रहा होगा, देख रहा होगा, तो ये लोग सब लोग मैंने पूछा है, मैं चुपली, तो मैंने वो लोग को पूछा कनाडा कैसे लगा वो लोग को ना, वो लोग अच्छा तो बहुत लगा है, कनाडा में बहुत अच्छा लग रहा है, हाँ बिल्कुल अच्छा लगेगा क्योंकि वो बैठे लोग के साथ बैठ रहे,
अच्छा तो जरूर लगेगा, लेकिन यहाँ का मौसम है, खाना पीना है, वो लोग ने बोला बहुत अच्छा है। तो जैसे कि हम बचपन इंडिया में गुजरा है तो वो लोग को इंडिया में ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि इंडिया में टेम्पल हो जो भी हो अपना गांव में खाना पीना बहुत अच्छा है, और टेम्पल वगैरह सब सामने आस पास में सामने है। जैसे कि होते हैं ना उन लोग को, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बोलने के लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन लोग इंग्लिश नहीं बोलते, इसलिए थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन वो लोग बोल रहे हैं वेदर और खाने पीने का जो होता है वो सब कुछ अच्छा है यहाँ पे, लेकिन वो लोग का दिल जो है वहीं पे इंडिया पे ही बसा हुआ है, क्योंकि हम छोटा से इंडिया में बैठ रहे हैं ना, तो वहीं पे अच्छा लग रहा है, मन वहीं पे लगा हुआ है। तो वो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे लाइफ टाइम तो नहीं रहेगा, वो लोग थोड़ा सा यहाँ पे बैठेगा और बच्चों के साथ, क्योंकि यहाँ पे बहुत मुश्किल है बच्चा देखना ना, तो वो लोग अपना बेटी का पोता पोती देख के बैठ रहे हैं अभी थोड़ा सा, जैसे कि 2 साल 3 साल हुआ वही बैठेगा और ज़्यादा नहीं बैठेगा। तो देखो यहाँ पे आ गया है, हाँ कौन वीडियो देखती ने रे मामो सुचे फिर से मोदी मैं सू मो लंगना सू सिरी दो हाँ वाले निरी तुने मो निदेली मो नि नान शांति लाइक चो नान शांति ला नान भी तने वे पुस्किन मीन हाँ नान ते पूरा गिरंग की तुलांगना नान की तीता सेम शिव भर पला ना गिला ना ओला मीन शोनम फियो एक चिना ना देलियो तो देलियो तो हाँ और इस मोले ना वो शिर दो शों खुश उस बिग पाव करना जानते देलियो तो अल देलियो तो ना मो से वाह मार देनी चाहिए के लिए तो ना मत नहीं देखो वो लोग जा रहे हैं, मैंने बोला सर्कल डांस टिबेटियन सर्कल डांस कर रहा है तो वहाँ पे चलने के लिए आ जाओ, लेकिन वो लोग नहीं मरे, थोड़ा सा वॉक करके ही आएगा, क्योंकि वो लोग वॉक पे जाते रहते हैं ना तो आदत सा हो गया है। हमारा मामी इतनी मम्मी भी है, वो लोग भी आदत हो गए, वो लोग हम जब हम नहीं रहते हैं ना तभी भी वो लोग फोन आपस फोन करके आ ही जाता है, और हमने उसका चेंगा का मम्मी को चेंगा नहीं सिखा दिया है कॉफ़ी कैसे ऑर्डर करना है, हमने बोला क्योंकि जब इंडियन कॉफ़ी शॉप में इंडियन है तो ऐसे बोल दो टी डबल डबल दे दो बोल के ना, जैसे कि हिंदी से हम बोलते हैं, जैसे हम इंग्लिश से बोलते हैं हाँ टू स्मॉल कॉफ़ी डबल डबल, एंड हिंदी से बोलते हैं दो स्मॉल कॉफ़ी डबल डबल, तो वही बोलने के लिए सिखा दिया है। लेकिन पता नहीं वो लोग बोलेगा भी कि नहीं बोलेगा, क्योंकि वो लोग बस पैसा तो है ही, हमने देख के रखा है थोड़ा सा चेंज, ताकि बाहर जाते समय कभी कभी कॉफ़ी पीना होता है, कभी टी पीना होता है, कुछ खाना होता है, तो चेंज का कुछ चेंज दे के रखा है। तो आई होप सभी के पास कुछ पैसे तो होगा ही हाथ में, तो हमने बोला हम लोग जब भी नहीं हो तब भी आप लोग वॉक पे आ जाओ, उसके बाद आप लोग कुछ टी चाय या कॉफ़ी कुछ भी ऑर्डर करके खाओ पियो मजा से बैठो बोलते हैं, हम वही वैसे ही बोलते रोज ना। तो वो लोग हाँ अभी थोड़ा 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 करके सेटल हो रहा है, वो लोग थोड़ा थोड़ा बोलने भी लग गया है, कॉफ़ी ऑर्डर करना सीख भी गया है थोड़ा थोड़ा सा ना, ज़्यादा ज़्यादा तो नहीं सीखेगा, थोड़ा 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 करके सब कुछ सीख रहे हैं वो लोग। तो ठीक है देखो इतना खुश से आ रहा है, मजा से आ रहा है, इंजॉय कर रहा है वो वेदर। तो हाँ समर में वेदर इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कनाडा में समर ज़्यादा नहीं होता है, अभी समर हो गया है लेकिन फिर भी थोड़ा सा ठंड है बाहर पे, विंड लग रहा है तो मुझे भी थोड़ा ठंड होने लगा है। तो समर इंजॉय नहीं करेगा तो समर जो है बहुत काम होते हैं, 4 मंथ्स ही होते हैं सिर्फ, ओनली 4 मंथ्स। तो विंटर में तो घर में ही बैठना है, क्योंकि कभी बाहर जा नहीं सकते, क्योंकि बहुत बर्फ गिरता है यहाँ पे और इतना ठंड में कौन जाएगा बाहर पे ना। तो मैंने मेरे मम्मी को बोला समर में जितना वॉक जा सके उतना वॉक जाओ, ताकि विंटर में समर मिस ना करे। तो ठीक है तो हम मैं आपको ले जाता है जहाँ पे टिबेटन सर्कल डांस हो रहा है, हमारा आदमी लोग वहाँ पे क्यों हो रहा है टिबेटन सर्कल डांस,
क्योंकि वहाँ पे थोड़ा हम टाइम गुजर सकते हैं, सभी वहाँ पे आके थोड़ा सा गैदरिंग कर सके, मम्मी लोग पापा लोग जो भी है वहाँ पे आके हाँ मिल सके, तो गैदरिंग करके थोड़ा आसपास में थोड़ा सा जान पहचान बनाओ, कुछ बात करो, थोड़ा सा टाइम स्पेंड हो जाएगा उन लोग के साथ ना, तो इसलिए थोड़ा सा मैं थक गया टाइम स्पेंड करने के लिए। सबको वहाँ पे बुलाया हुआ है, मैंने इंस्टाग्राम में थोड़ा सा अनाउंस कर लिया है सभी को आने के लिए, तो हम वहाँ पे डांस थोड़ा करेगा, जुम्बा करेगा, कुछ भी करेगा वहाँ पे जाके, तो मिलते हैं वहाँ पे। तो देखो यहाँ का नज़ारा, आदमी लोग बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अभी मम्मी लोग जो है वो वॉशरूम में गया हुआ है, तो मैं यहाँ पे वेट कर रहे कब से, अभी 15 मिनट पूरा हो गया है तो अभी भी नहीं आ रहे, मुझे लग रहा है वो लोग लॉस हो गए, तो और 10 मिनट वेट करेगा, नहीं आएगा तो मैं ढूंढने जाएगा वो लोग को। आप लोगों को लग रहा होगा नीमा आज बहुत बात कर रहे, मैं इसलिए बात कर रहा है क्योंकि मैं जब भी YouTube में बात करते हैं ना थोड़ा सा नर्वस हो जाता है, पता नहीं लोग बोलते हैं मेरा हिंदी बहुत अच्छा है, और मैं जब YouTube में बात करने लग जाते हैं ना कहीं पे लॉस हो जाते ऐसे, तो या जैसे कि टिबेटिन में भी बात करेगा ना, या जैसे ऐसे होते तो जो होते हैं ना वो बहुत बड़ बोल जाते हैं और बीच में से बात जो है ना रुक जाते हैं, मुझे लग रहा है थोड़ा सा लाउड बात करेगा तो मेरा अच्छे से चलता है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा लाउड करके ना ऐसे कॉन्फिडेंस से बात करने के लिए कोशिश कर रहा है यहाँ पे, तो मेरा हिंदी या जो भी बात करूँ मैं थोड़ा सा इम्प्रूव कर सके, इसलिए मैं थोड़ा सा जोर जोर से बोलने लग गया है, तो मुझे लग रहा है थोड़ा सा जोर से बोलने से मेरा हिंदी या जो भी मैं बात कर रहा है मैं अच्छा से बोल पा रहा है, तो इसलिए मैं बहुत लाउड से ऐसे बात करती हुई जा रहा है ताकि मेरा हिंदी जो भी मैं बात कर रहे वो अच्छा से बोल सके मैं, तो आज लग रहा है मुझे थोड़ा सा अच्छा हो गया है, तो मेरा जो भी बात कर रहे इम्प्रूव हो रहा है मुझे लग रहा है। हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं, मम्मी लोग आ रहा है, मम्मी लोग वहाँ से आ रहा है वॉशरूम गया है, तो अभी पूरा 15 मिनट हो गया है अभी भी नहीं आ रहे, तो मैं और 10 मिनट वेट करेगा, नहीं आएगा तो मैं ढूंढने जाएगा, वो तीनों नया है तो पता नहीं कहाँ चला गया, अभी भी नहीं आ रहा है, मैं वेट करके थक गया है यहाँ पे। मुझे लगता है वो लोग रोज वॉक पे आता है तो लॉस तो नहीं होगा, गुम नहीं हो जाएगा, फिर भी देखते हैं 10 मिनट यहाँ पे वेट करेगा, उसके बाद मैं उन लोग को लेने जाएगा, नहीं आएगा तो अभी मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करेगा, यहाँ पे बैठने के लिए जगह है, सब कुछ है, तो क्यों नहीं यहाँ पे ही वेट करूँ मैं, बैठ के अच्छा सा मौसम को इंजॉय करूँ, और ये सारा अच्छा अच्छा फ्लावर जो है देखो कितना कितना फ्लावर हो चुका है यहाँ पे, देखो समर में ना बहुत फ्लावर होते हैं, जो अनवांटेड फ्लावर जो होता है ना, अनवांटेड तो नहीं है, जिसे किसी ने नहीं लगाया है और वैसे खुद पर खुद आ जाता है, किसी ने तो लगाया होगा ये ना, लेकिन घर पे तो नहीं है, यहाँ पे 1200 बिल्डिंग है, और ये वाला एरिया जो है बहुत महंगा है, ये अंदर का एरिया जो है ना बहुत महंगा है, सब लोग पूरा यहाँ पे अच्छा से बैठा हुआ है, और इतना ठंडा भी नहीं है इतना गर्म भी नहीं है, मौसम बहुत परफेक्ट है, और दादा जो है यहाँ खा रहे कुछ, मेरा कज़न एक मिला था उसने बिस्किट दिया है कुकीज़ दादा के लिए, तो ये खा रहा है क्योंकि मैं दादा के लिए कुकीज़ लेना भूल गया, मेरा छोटा सा ये बच के मैं ड्रैगन फ्रूट एक खा लूँगी। अभी हवा आना स्टार्ट हो गया है, तो मैं अभी तक यहाँ पे वेट कर रहा है मम्मी तीनों मामे के लिए, अभी तक नहीं आया, पूरा 20 मिनट हो गया मैं वेट करते हुए यहाँ पे ना, तो पता नहीं कहाँ चला गया, अभी मुझे जाना पड़ेगा वो लोग को। अच्छा यहाँ आ रहा है यहाँ से, पूरा 20 मिनट के बाद, पूरा 20 मिनट लगा वो लोग आने में, वहाँ से आ रहे शायद, कहाँ गया, हाँ वहाँ से आ रहा है, देखो आ रहे, मैंने सोचा वो लोग गुम हो गया बीच में से ना, क्योंकि बहुत देर तक वेट किया मैंने, मेरा दादा ने एक और बिस्किट खा लिया, एक पीस बिस्किट खा लिया, मैंने पूरा ड्रैगन फ्रूट का वो ख़त्म किया, और चेंगा का मम्मी चेंगा जो है वो भी आ गया, वो वैलूमार्ट में जाएगा बोल के वो चला गया, तो मैंने बोला मैं वो लोग वेट कर रहे, तो अभी वहाँ से वो लोग आ रहे, देखो
आराम से इतना अच्छा से। और लोग को सब रास्ता पता चल गया है, अभी कुछ बताने के लिए जरूरत नहीं है, वो लोग खुद घूम ले जाते हैं जहाँ जहाँ भी जाना हो। देखो मांगे मलांग से मिशना जंगला वीडियो का मांगे मलांग एक चुचुआ ने अब मांगे मला एक चुचो वीडियो का ये जय मांगे मलांग एक चुचो जंगला मांगे मलांग से मिशी मिनी। तो मैंने सोचा मम्मी तीनों मन में ना ये रास्ता गुम हो गया, लॉस हो गया लगा था, लेकिन फाइनली यहाँ पे आ गया है। तो अभी हम सर्कल डांस में जा रहे हैं। मन मगे मनी ने बोम देखो क्या बोल रहे, गुम भी हो जाएगा ना, गुम नहीं होगा बोले ना, तो पूरा रास्ता पता है बोले। देखो मैं रिगुली मो आम को रिगू रिगू लाम बागी दो नाली मिन तो मैंने ना ये बाल ऐसे करके पीछे से चोरी बांधी है। मेरा हस्बैंड बोलते हैं मेरे ना ऐसे बाल बांधने से बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन मे भी बनते हुए कंफर्टेबल है मेरा बाल, जब खोल के रखते हैं ना मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता। पता है कोई होते हैं ना बाल खोल के रखते, पता नहीं वो लोग कैसे रहते हैं बाल के साथ ना, ऐसे खुला हुआ बाल के साथ मुझे कंफर्टेबल नहीं है। कभी कभी क्यों हुआ जब बाहर जाते हैं ना तब खोल के रखते हैं मैं ऐसे ही, कभी कभी लुक चेंज करने के लिए खोल के रखते हैं, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं है। जब भी मैं ऐसे बांधते हैं ना तब बहुत कंफर्टेबल है। मेरा हस्बैंड को भी अच्छा नहीं लगता है मैं बाल खुला हुआ जाऊँ ना बाहर पे, तो वो बोलते हैं चोरी बनाऊँ, तो अच्छा लगता है साफ सुथरा सा लगता है बोलते हैं, तो इसलिए मैं रोज बाल ऐसे ही रखते हैं। पहले जो था बाल थोड़ा सा गीला था तो मैंने छोड़ दिया था, तो अभी थोड़ा सूख गया तो मैंने बाल बांध दिया अभी पीछे से ना। संभा दे नाले मैं बेक पाया लो संभा गए संभा भैया दोलों से जाऊंगा दोलों एक चमो किला अच्छा दोलों ना हमारा अरुणाचल का एक लोपा भाषा है बोलते, उसे दोलों बोलते है बोले, ये जो हाँ वो जो है ना इसको दोलों बोलते है बोला इसको। मेरा फोन आ रहा है अभी सर्कल डांस ग्रुप से फोन आ रहा है, अभी भी वो लोग को लगा होगा मैं अभी भी नहीं आया, मैंने कब से बोला है ना मैं आ रहे अभी भी नहीं आ रहे, सोचा होगा तो हम जा रहे हैं अभी। यहाँ पे टिबेटन डांस सोलो कर रहे तो मैं भी वहाँ पे ज्वाइन करने जाएगा। फाइनली यहाँ पे पहुंच गया बहुत दूर तक जाके, तो यहाँ पे फाइनली पहुंच गया। कब से फोन कर रहा था वो लोग ना, देखो अभी थोड़ा सा मैं दिखाएगा वो लोग का जमक दिखाएगा। ज्यादा आदमी नहीं आया हुआ है अभी, पता नहीं क्या हो गया, सब लोग सो रहा होगा घर पे और वक्त पे जा रहा होगा। आप लोगों को मैं हमारा ऑडियंस दिखा रहा है, पूरा सुंदर सुंदर ऑडियंस यहाँ पे बैठा हुआ है। वो लोग सर्कल डांस नहीं कर रहे, पता नहीं जानता है नहीं कर रहा है क्या हो रहा है पता नहीं, इसको तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन पता नहीं क्या स्टॉप हो गया, यही बोल रहा था चलो सर्कल डांस करते हैं जुम्बा करते हैं, पता नहीं अभी यहाँ पे ऐसे ही बैठा हुआ है। देखो कपड़ों में तो बहुत अच्छा करते हैं, अभी चालू है उसका लर्न कर रहे है, सीख रहे अभी सीख रहे, कोई बात नहीं सीख जाएगा मेरे तरह धीरे धीरे करके। देखो हमारे लोग
हम ना यहाँ पे सर्कल डांस करते हैं ना ऐसे, जैसे कि वेनेसडे में रोज हमारा सर्कल डांस जेमेसिन में होता है, वो नहीं है। हम जैसे यहाँ पे सांडे भी पूरा खाली है तो हम प्रैक्टिस करते हैं यहाँ पे, क्योंकि सर्कल डांस जो है बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, टिबेटन लोग के लिए, इसलिए हम यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं। जो जिसको जानते हैं वो थोड़ा थोड़ा सिखाते हैं और हम उसके पीछे पीछे डांस करते जाते हैं। तो अभी सीख रहे हैं ताकि हम जेमेसिन में जाके डांस कर सके, क्योंकि वहाँ पे जाते सिर्फ वीडियो ही बनाते हैं, कोई किसी और गाते हुए वीडियो बनाते हैं, तो मैं खुद नहीं डांस कर पाते क्योंकि मुझे नहीं पता है अच्छा से डांस करना नहीं पता है। डांस कर लेते हैं लेकिन अपना हिंदी डांस टिबेटन ट्रेडिशनल डांस नहीं आते तो बहुत दुख लगता है। तो जब भी हम जेमेसिन में वापस जैसे जाता है ना वहाँ पे, तो सब लोग गा रहे होते हैं, हम वीडियो बना रहे होते हैं, हमें भी मन करते हैं कभी हम भी गाओ, हम भी डांस करो, टिबेटन ट्रेडिशनल डांस करो और कोई वीडियो बनाओ, हमें भी वीडियो में आना पसंद करता है। बैठा हुआ है यहाँ पे, ओके। मैं आंटी को घर में छोड़ने के लिए गया था, बाहर तक छोड़ दिया है, तो मैं अभी घर पे जा रहा है। तो सॉरी गाइस, आप लोगों को मैं पिकल बनाते हुए नहीं दिखा पाएगा क्योंकि मैं पिकल नहीं बना रहे आज। आज मैं सर्कल डांस के बाद बाहर पे जा रहा है इसलिए मैं नहीं बना पाएगा, तो कल सुबह बनाएगा, सुबह नहीं पहले तो काम पे जाएगा, मेरा स्प्लिट टीम है तो कल जब 7 से 9 बजे तक है, 9 बजे से 12 तक मेरा पूरा 3 आवर्स स्प्लिट शिप है, गैप है वहाँ पे, तब बनाएगा। तो कल जब हमें वीडियो बनाएगा कल, तब मैं उसके बीच में पिकल जो बनाएगा जैसे बनाते हैं वो दिखाएगा आप लोग सब लोग को। तो बाय बाय सभी को, ये वीडियो जो है यहीं पे रखते, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, और अच्छा सा नया ब्लॉग ले आने के लिए कोशिश कर रहे हैं, कोशिश चालू है अभी, तो जो भी हो रहा है वही हम मैं कैप्चर करते जा रहे हैं लाइफ में। मैंने सोचा है मेरे जो जॉब जो है उसके लिए मैं थोड़ा सा वीडियो बनाऊं, डेली रूटीन जैसे होते हैं वो कल बनाने जा रहे हैं। मैंने सोचा कल बना ही लो, बना के रखे लेकिन मैं डाउनलोड नहीं किया है, तो मैं डाउनलोड जब बाद में करेगा। और कल जो डेली रूटीन वर्क टू होम टू वर्क, तो क्या डेली रूटीन होते है मेरा वही बनाएगा, क्योंकि वीकडेज का तो काम पे ही जाता है, वही मेरा डेली रूटीन है तो वही बनेगा। बाय बाय, और ये वीडियो जो है यही तक रखते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ नेक्स्ट टाइम, बाय। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत हवा आ रहा है, तो लोग सोच रहे होंगे मुझे पागल हो गया। बाय।